नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अब प्रदूषण वाला लॉकडाउन। जी हां, दिवाली के बाद से दिल्ली की आबोहवा लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी धुंध की मोटी चादर देखी गई और प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो गया। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में अब इमरजेंसी जैसे हालात होने लगे हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर रहने के बाद सीपीसीबी ने सरकारी और निजी कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के उपयोग को 30% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है और आज राजधानी का AQI 499 यानी कि गंभीर श्रेणी में है। दीपावली पर पटाखे चलाए गए और साथ ही हवा भी बिल्कुल नहीं चली, लेकिन ये सब नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ठीक होने की उम्मीद है। दीपावली के आसपास राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंचती रही है। यही वजह है कि साल 2016 में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल 431 तक चला गया था और इसके एक साल के बाद इसमें कमी आई और 2017 में यह 319 रहा और हवा की गुणवत्ता तब भी हानिकारक श्रेणी में ही बनी रही। साल 2018 की बात करें तो तब 7 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 रहा, वहीं साल 2019 में 27 अक्टूबर को यह 337 दर्ज किया गया। इसके एक साल बाद 2020 में 14 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 414 था, जो एक नया रिकॉर्ड बना। लेकिन इस बार दीपावली के दूसरे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये 531 पर पहुंच गया। और इसीलिए आज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि अगर हो सके तो 2 दिन के दिल्ली में लगने वाले लॉकडाउन पर विचार करें, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में जो है वो बनी हुई है और लोगों को इससे तमाम परेशानियां भी हो रही हैं। आपको बता दें, कुछ घंटों के अंतराल के बाद एक बार फिर से नया रिकॉर्ड कायम किया है AQI ने और ये 533 के लेवल पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को भी तमाम परेशानियां हो रही हैं। इसमें बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। स्मॉग के साथ अनेक प्रकार के प्रदूषित तत्व मिले होते हैं, ये शरीर में जाकर सांस से संबंधित रोग के कारण बनते हैं और इसीलिए अब लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों तक वो जरूरी जो है जानकारी पहुंचाएं, जिससे लोगों को हर चीज़ का समाधान मिल सके। और जिस तरह से स्मॉग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों को राहत मिले, इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर यहां पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमित यादव जुड़ चुके हैं और डॉक्टर अनिल नौसारण जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। डॉक्टर अमित, शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करूंगी। आज जो है दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण का जो AQI है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नोएडा के कई इलाकों में ये 700 तक पहुंच गया है। इसको कैसे समझा जाए, यानी ये कितना खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है, सरल शब्दों में आप बताएं। देखिए, पिछले साल जो था वो हमारे यहाँ लखनऊ का 426 था जी AQI, लेकिन इस साल जो है 357 पर, लेकिन जो गोमती नगर हमारा जो क्षेत्र था, ये गोमती नगर का, यहाँ पर 480 देखा गया। और जो आपका चारबाग एरिया है, ये भी इसका भी बहुत ही खराब रहा हाल, 329 पे था। लेकिन ये है कि जो इस बार पटाखों का जो अंधाधुंध जो बिक्री हो रही थी उस पर रोक लगाई है सरकार की तरफ से, तो इसका भी एक असर देखा गया है कि इस बार तो थोड़ा कम था, पिछले साल के कंपेयर कम रहा, क्योंकि पटाखों के जो अंधाधुंध जहां भी है वहां भी बिक्री सब रोक लगने की वजह से जी बिक्री जो एक नियमित आधार पर, मतलब बिल्कुल नियमित उस पे हुई है, तो उससे भी एक असर है पिछले के साल के कंपेयर। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, आपसे जानना चाहूंगी, ये प्रदूषण जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इससे कैसे बचना चाहिए, हमें क्या कुछ उपाय करने चाहिए? तो मैं जो भी श्रोता
डॉक्टर अनिल आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है जी, बोलिए। मेरा कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सब लोगों को ज्यादा की भी नहीं है संस्थान जो सदन पर असर हुआ है, लेकिन इसके लॉकडाउन के बाद इतने बेकाबू हो गए हैं कि घरों से बाहर निकल गए हैं। नहीं कर जहां में सड़क के ऊपर इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अपने कम से कम निकालें तो वो पर्दे पर ही निकालें। और मैं समझता हूँ जी, चलिए ठीक है। डॉक्टर अमित, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए अब जो ये स्मॉग बढ़ रहा है, ये प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। जो ये प्रदूषण होता है हर साल, बीते कई साल से हम देखते आ रहे हैं, इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो अस्थमा के पेशेंट है हमारे, जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं और वो चलते जो एज में 60 के प्लस हैं या कुछ अब तो यंग वाले भी आ गए हैं जिसमें अस्थमा के देखे गए लक्षण, तो इन लोगों को तो इससे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्योर रहना पड़ेगा, बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जी ये दिवाली के बाद से। और जो एक तो आंखों में इनमें लालपन आ जाना जी, आंखों में खुजली होना, इरिटेशन होती है जिससे कहते हैं, और काफी लक्षण मतलब इसमें यह रहता है कि घरों से कम निकले और मॉर्निंग वॉक पर थोड़ा सा परहेज किया जाए जी। इस समय और देखा जाए जैसे इस समय क्या कहते हैं आप लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो विशेष ध्यान देना है जी। हाँ, और एक अभी तो इस बार तो गवर्नमेंट ने हमारे काफी अच्छा वो किया कि एंटी स्मोक गन जो है इस बार 5 गन लखनऊ को प्रोवाइड कराई गई थी, तो उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो दिवाली में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा था उसमें काफी कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना हो जाना चाहिए, जो नॉर्मल रहता है हमारा पूरे साल का, तो उस हिसाब से ना। लेकिन हाँ, ये है कि नुकसान को काफी हद तक रोका गया इस गन से, जिसको एंटी स्मोक गन कहते हैं जी। तो पिछले बार के कंपेयर, और जो ये जिस मतलब होने का मेन रीजन क्या है इसमें कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 और ये 10, ये क्या होते हैं, ये वायुमंडल में ऊपर तक हिस्से में नहीं जा पाते हैं जी। जिसकी वजह से ये हमारे सांस के द्वारा अंदर आने लगते हैं, और सिर्फ वो पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जो हम यहाँ से धुआं उड़ाते हैं, पराली जलाना और ये सब पटाखे लगाना, इसकी वजह से जाकर वायुमंडल में एक लेयर बन जाती है जी। उस लेयर की वजह से ये पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पाते हैं, वो सिर्फ नीचे रहते हैं, उसकी वजह से सांस के द्वारा हमारे अंदर आने लगते हैं जी। और ये अस्थमा के पेशेंट्स और ये जितने हैं, ये सब आंखों में लालपन होना, ये सब दिक्कतें नॉर्मल हो जाती हैं जी। ठीक है डॉक्टर अमित, डॉक्टर से जानना चाहूंगी जिस तरह से डॉक्टर अमित ने भी अभी बताया कि अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में जिनको परेशानी है उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 3 लेयर मास्क भी लगाना चाहिए, तो क्या ये सही है अगर हमें इस प्रदूषण से बचना है तो 3 लेयर वाला मास्क लगाए हम? हुआ है इसको कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर अनिल, शायद आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है, आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। आप डॉक्टर अनिल आप हेडफोन्स लगा लीजिए, शायद तब आवाज सही आएगी। हेडफोन अभी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। मेरा ये है कि मास्क
तरीके से उसको बताना चाहूंगा क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता है तो होती है और उसमें हम कैटेगराइज करते हैं कौन कौन से नंबर वन जो जिससे रोल करते हैं जिससे एक घर का इन क्वेश्चन के अंदर बोर्ड पर भी बहुत ज्यादा होती है जी इतनी चल जाती है एक दिन दिखता है बहुत ही फील करती है तो ये समझना लगता है कि तो पहले वो अपने हीमोग्लोबिन की जांच करनी इसी पर कहीं पर हीमोग्लोबिन तो कम होगी जी होते हैं इस तरीके वो अपने आपको बता सकते हैं अपने हीमोग्लोबिन बढ़ा के उसको करते हुए या आप उसी कर सकते हैं इसलिए क्या है कि वो अपने प्रेजेंट होते हैं स्वामी को अंदर स्वामी आती है कंपल्सिव होता है एक्सोमा होता है चलिए ठीक है ठीक है डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अमित आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या इससे कोविड के भी मामले बढ़ेंगे? और जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रदूषण है इस पर जो है दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का सरकार विचार करे तो क्या सिर्फ लॉकडाउन से प्रदूषण कम हो जाएगा? देखिए पोल्यूशन कम करना लॉकडाउन नहीं कम करेगा। लॉकडाउन क्या, जो दिवाली में जो पोल्यूशन फैला है वो तो हो गई रहेगा। हाँ लॉकडाउन से ये है कि गाड़ियों से जो पोल्यूशन हमारे होता है उस पर तो रोकथाम लगेगी थोड़ा जी, लेकिन इसके लिए आप लॉकडाउन तो एक वो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही कि आप जैसे एयर पोल्यूशन जो एंटी स्मोक गन है ये प्रोवाइड कराइए, इसका इस्तेमाल जोरों पर रखाइए। देखिए उसका किस चीज से प्रदूषण कम हो रहा है उसके आप साधन प्रोवाइड कराइए अपने जी, ना कि ये लॉकडाउन कम बंद कर देना और ये लगा देना। लॉकडाउन लगा दिया उससे तो गरीबों पे और सबके बिना इतना वैसे ही असर पड़ रहा है, पोल्यूशन को आप नहीं रोक पा रहे। हाँ कोरोना के लिए तो ठीक है, ये पोल्यूशन से इसका कोई वो नहीं है। हाँ कारें हैं गाड़ियां हैं इसका तो देखिए आप एक नियम उन्होंने दिल्ली में बनाई रखा है, लखनऊ में भी अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कि इस नंबर से गाड़ियां ये चलेंगी इस नंबर पे इस डे के हिसाब से मैंने वो कर रखा है जी। लेकिन जो लॉकडाउन इसका कोई सलूशन हम नहीं कह, हम नहीं मानते। चलिए ठीक है डॉक्टर अमित और डॉक्टर अनिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में देश भर के में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं चिकित्सक जो हैं वो स्मॉग में बाहर ना निकलने की ही हिदायत देने लगे हैं। और अभी डॉक्टर अनिल डॉक्टर अमित हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि घरों में रहने की ज़रूरत है और बड़े बुजुर्गों को घरों में रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इससे जो भी बीमारियाँ होती है उसका भी उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से अस्थमा और जिनको सांस लेने में परेशानी है उन मरीजों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में प्रदूषण काफी ज्यादा स्तर पर बढ़ रहा है और ऐसे में हर किसी को जो है वो घरों से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। तो ऐसे में आपको एक बार फिर से बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जहां पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि वायु प्रदूषण से आपको बता दें कि हर साल 15 लाख लोगों की जान जाती है और इसीलिए अब इसे बेहद गंभीर मुद्दा भी माना जा रहा है।